हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमित की स्नेहा। तो मैं फिर से नए ब्लॉग के साथ आ गई हूँ। आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मेरा बेटा का बर्थडे है। आप लोग को तो पता ही है, 15 तारीख को मेरा बेटा का बर्थडे है। आपको तो मैंने नेक्स्ट ब्लॉग में बताया ही था, तो उसी की तैयारी के लिए मैं मार्केट जा रही हूँ। मुझे उसे 12 बजे सरप्राइज करना है, तो उसी के लिए मैं मार्केट जा रही हूँ। कुछ कुछ सामान लेना है, मुझे अपना भी कुछ सामान लेना है। बाबू के लिए कपड़े वपड़े खरीदने हैं, गिफ्ट खरीदना है, तो मैं वहीं जा रही हूँ और आपको तो दिखाऊंगी ही। बाबू के लिए सरप्राइज है पर आप लोग के लिए नहीं। और फिर दिन में भी मुझे कुछ 15 तारीख को भी कुछ प्रिपरेशन क्या करना है, वो सब के लिए भी कुछ कुछ शॉपिंग करना है। तो वहीं मैं जा रही हूँ मार्केट, वहाँ लेके आप लोग को चलती हूँ, आप लोग को सब कुछ दिखाती हूँ। अगर जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। हम लोग आंसू के लिए अब गिफ्ट लेने के लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या पसंद आता है। तो आंसू के लिए हम गिफ्ट लेने आ गए हैं। उसे स्पाइडरमैन और हल्क बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो हम लोग वहीं ढूंढ रहे हैं, देखते हैं मिलता है कि नहीं। मैं आंसू के लिए कपड़ा चूज कर रही थी। कपड़ा सेलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्या लूँ क्या नहीं लूँ समझ में नहीं आता है। और मैं आंसू को लेके भी नहीं गई थी तो प्रॉब्लम हो रहा था कि क्या उसमें सूट करेगा। उसे लेके आती तो सारा सरप्राइज ही ख़राब हो जाता, इसीलिए नहीं लेके आई। आंसू के लिए और कुछ कपड़ा देख रही थी मैं, ये सब टी शर्ट वगैरह सोच रही थी कि एक आध दो ले लूं, तो वही मैं पसंद कर रही थी। मैंने दो कपड़ा ले लिया, ये भी लिया। इसे भी ले लेती हूँ और कर भी देती हूँ। हाय
तो मुझे अपना भी कुछ सामान लेना था, मेकअप प्रोडक्ट वही मैं ले रही हूँ। आई शेडो पैलेट लेना था मुझे। मैं कंसीलर देख रही थी अपना सेट का, वहीं वो चेक कर रही थी कौन सा सेट मेरा में अच्छा से आ जाएगा। तो मैंने आई शेडो पैलेट और कंसीलर लिया, तो मुझे नेल पॉलिश लैक्मे का फ्री में गिफ्ट मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ से हमेशा सामान ले जाती हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ शॉपिंग भी हो गया, बहुत थक भी गई। अभी मैं जस्ट घर ही पहुँची हूँ, बहुत सारा शॉपिंग कर लिया मैंने आंसू के लिए और अपने लिए भी कुछ कुछ खरीद लिया और कुछ कुछ तो भूल भी गई। इतना लेट होने के बावजूद भी कुछ कुछ मैं भूल ही गई। तो पूरी अब तो मैं पूरी तैयारी में जुट चुकी हूँ। अब बर्थडे में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो मैं पूरी तैयारी में अब लगी हुई हूँ। मुझे 12 बजे आंसू को सरप्राइज भी देना है, उसके लिए केक भी बनाना है। घर में मैं पहले केक बनाऊंगी, फिर उसके बाद 15 तारीख की रात को मैं फिर बाहर से इसका जो चेक करना है वो सब वो तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही पता चलेगा। तो अभी ब्लॉग कंटिन्यू आते ही रहेगा इसका बर्थडे का, तो आप लोग प्लीज़ सारा ब्लॉग देखिएगा और कोई भी नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है गाइस, जब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग से जल्दी मिलूँगी। बाय।